हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी जिसे देखने के बाद तुरंत आपको बनाने का मन करेगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा सा हम कोई बर्तन ले लेंगे और उसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल लेंगे। अब इसमें एक मीडियम साइज का आलू जिसे छील लिया है कद्दूकस कर लेंगे। तो पानी के अंदर कद्दूकस करने से आलू काला नहीं पड़ेगा। तो पहले इसको हम कद्दूकस कर लेते हैं। अब इन आलूओं को हम अच्छे से 1 या 2 पानी धो लेंगे, इससे इसका स्टार्च भी निकल जाएगा। धोने के बाद इसको हमने अच्छे से निचोड़ लिया था। अब इसमें एक बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे, एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल देंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल लेंगे, चुटकी भर इसमें हल्दी भी डाल लेंगे, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब इसमें 2 अंडा भी डाल लेंगे, 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अगर कॉर्नफ्लोर आपके पास ना हो तो आप थोड़ा इसमें बेसन भी डाल सकते हैं। टेस्ट के हिसाब से इसमें हम नमक भी डाल लेंगे। अब ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल लेंगे। अब सारी चीजों को हम तब तक मिलाएंगे जब तक कि अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो इसको हमने अच्छे से मिला लिया है, अब ये बिल्कुल रेडी है। अब चलिए इसका हम ऑमलेट बना लेते हैं। पैन हमने गरम कर लिया है। अब इसमें हम 1 छोटा टुकड़ा बटर का डाल देंगे। आप चाहे तो इसको तेल में भी बना सकते हैं। अब इसमें अंडे का जो हमने मिश्रण तैयार किया था वो डाल लेंगे। अब इसे बराबर रूप से चारों तरफ फैला लेंगे। तो 5 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पर हम ढक के रख देंगे। तो 5 मिनट हो चुका है। तो देखिए, इसका ऊपर का पोर्शन थोड़ा हार्ड हो चुका है, इसका मतलब नीचे भी अच्छे से पक चुका होगा। तो इसके दूसरी तरफ भी हमको सेकना है। तो सबसे पहले एक प्लेट इसके ऊपर रखकर इसको पलट लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए गैस को ऑफ कर देते हैं, नहीं तो हाथ जलने का चांस रहता है। तो इसको हमने पलट लिया है, अब गैस को वापस से ऑन कर देंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच बटर डालेंगे और बटर को चारों तरफ लगा देंगे और गैस का फ्लेम हम धीरे ही रखेंगे, तेज बिल्कुल नहीं करेंगे। अब जो पोर्शन पकाना है उस पोर्शन को हम इसके अंदर रख देंगे। तो दूसरी तरफ हमने पलट लिया है। अब 5 मिनट के लिए इसे हम ढककर वापस से पकाएंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा ऑमलेट बनकर तैयार है। तो चलिए इसे अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, स्पेनिश ऑमलेट की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।